गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डेंसेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा डेंस एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में आज का वीडियो है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट डेंसिटी का, कि डेंसिटी क्या चीज है। अभी हम डेंसेस्ट एलिमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में है उसको डेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कितना मैटर, हाउ टाइटली अ मैटर इज पैक्ड विद इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना टाइटली कोई मैटर पैक्ड है वो उसकी डेंसिटी बताता है। जितना ज्यादा कोई भी मैटर टाइटली पैक्ड होगा बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। ग्राम या केजी मास का यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। अगर हम पानी के अंदर एक आयरन बॉल डालते हैं, आयरन की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, वो डूब जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन, आयरन की बॉल पानी में डूब गई, ये बताती है कि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। आयरन का जो अंदर मटेरियल है, जो मैटर है, वो ज्यादा टाइटली पैक्ड है पानी के मुकाबले। सिमिलरली अगर हम ऑलिव ऑयल डालते हैं पानी में, तो ऑलिव ऑयल फ्लोट करने लग जाता है, उसकी लेयर फ्लोट करने लग जाती है। वो ये चीज बताती है कि ऑलिव ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैटर है, वो इतनी टाइटली पैक्ड नहीं है, पानी के मॉलिक्यूल्स पानी के मैटर के मुकाबले। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं विच इज द डेंसेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये है ऑस्मियम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्मिथसन टिनेंट इन 1803। ये जो नाम है इसका ऑस्मियम, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑस्मी, जिसका मतलब होता है स्मेल, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसकी काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। इसकी डेंसिटी है 22.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 22.6 ग्राम्स का जो मास है वो आ सकता है। अगर हम बात करें लेड की, तो ये लेड के मुकाबले ट्वाइस एज डेंस एज लेड। लेड की डेंसिटी है 11.34 ग्राम्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 76, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर वो 76 हैं। इसका एटॉमिक मास है 190.23 AMU। ये ब्लूइश व्हाइट कलर का मेटल होता है और ये प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स में आता है। प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स में 6 मेटल्स हैं जिनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। ये हैं इरिडियम, ऑस्मियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, रोडियम एंड रुथेनियम। ऑस्मियम का मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस है, जिससे हमें यह पता लगता है कि ऑब्वियसली ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 5000 डिग्री सेल्सियस। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो है +2, +3, +4, +6 एंड +8। जब भी ये अपने कंपाउंड्स बनाता है तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये पाया जाता है। अब इसके एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को भी समझ लेते हैं। इसके 6 एनर्जी लेवल्स हैं। पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे एनर्जी लेवल में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 14 और 6 एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये आपके सामने है। अगर इसका f ऑर्बिटल देखें, जिसमें हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। मैं इसलिए एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत बड़ा रीजन है इसकी हाई डेंसिटी के लिए। चलिए आगे समझते हैं इसको, रीजन फॉर हाई डेंसिटी। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, जो कि आपके सामने है, ये f ऑर्बिटल में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी अच्छे से शील्डेड नहीं है फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ऑस्मियम न्यूक्लियस। इसकी वजह से जो ऑस्मियम का जो f ऑर्बिटल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाता है, उसकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो रेडियस है वो कम हो जाता है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स, जो बाकी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा शील्डेड है f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इतने अच्छे से शील्डेड नहीं है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एज ए रिजल्ट उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। और दूसरा रीजन जो कि सभी में होता है ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से ऑर्बिट करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उनका एपरेट मास बढ़ जाता है। जब मास बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गई, तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये एफ ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट इज नॉट वेल शील्डेड फ्रॉम अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ऑस्मियम न्यूक्लियस एक रीजन है इसकी हाई डेंसिटी को लेके। ऑस्मियम और इरिडियम में हमेशा नेक टू नेक एक डेंसिटी का कंपैरिजन रहता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑस्मियम डेंसेस्ट एलिमेंट है, लेकिन हाई प्रेशर पर इरिडियम डेंसेस्ट एलिमेंट बन जाता है विद डेंसिटी ऑफ 22.75 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आइसोटोप समझ लेते हैं ऑस्मियम के। ऑस्मियम के 7 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। ऑस्मियम 184, 186, 187, 188, ऑस्मियम 189, ऑस्मियम 190 एंड ऑस्मियम 192। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑस्मियम 192 की पाई जाती है 40.78 और सबसे कम ऑस्मियम 184.02%। अभी जो सातों आइसोटोप्स हैं इनके अगर हम वेटेड एवरेज ले तो जो हमारे पास वेटेड मास आता है वो 190.23 AMU आता है, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम का मास देखते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। अभी हमने देखा था कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑस्मियम की वो है +2, +3, +4 और +8। जब ऑस्मियम का पाउडर इज एक्सपोज टू एयर तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बनती है, जिसमें ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8। ये बहुत ही रिएक्टिव मटेरियल होता है और इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। अगर इसको इनहेल करता रहता है कोई इंसान, इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और इवन रेस्पिरेटरी फेलियर। ह्यूमन कॉर्निया में इसके जो स्टेन है वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से आदमी कोई भी इंसान ब्लाइंड हो सकता है। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ स्टेनिंग टिश्यू इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोई टिश्यू हम देखते हैं तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड एज ए स्टेन यूज होता है उस पर्टिकुलर टिश्यू पर, जिससे वो एक अच्छे से कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, उसको अच्छे से समझने में आसानी होती है बाकी टिश्यूज के मुकाबले। बिना डिस्टोर्शन के वो एक कॉन्ट्रास्ट दे देता है, जिससे हम उसको अच्छे से उस पर्टिकुलर टिश्यू को जो हम देख रहे हैं उसको समझने में आसानी होती है। अब अकरेंस ऑफ ऑस्मियम समझते हैं। ऑस्मियम इज अमंग द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अबाउट 50 पार्ट्स पर ट्रिलियन इसके पाए जाते हैं, मतलब ये बहुत ही रेयर एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पर। ऑस्मियम रिच ओर्स जो है, किस तरह से ऑस्मियम पाया जाता है, इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ओर्स पाया जाता है। ऑस्मी इरिडियम, जिसमें इरिडियम की जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, परसेंटेज ज्यादा होती है, ऑस्मियम की कम होती है। इरिडोस्मियम, जिसमें ऑस्मियम का कंटेंट ज्यादा होता है इरिडियम के मुकाबले। और प्लैटिनम के ओर्स में भी ऑस्मियम पाया जाता है और निकल के ओर्स में भी ऑस्मियम पाया जाता है। तो इस तरह से ये नेचर में अकर करता है। अब पता लगाते हैं लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑस्मियम्स अराउंड द वर्ल्ड। पहला लार्जेस्ट रिजर्व है बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स साउथ अफ्रीका में, और नॉरिस्क इन रशिया में, सडबरी बेसिन इन कैनेडा, रिवर सैंड्स इन द यूरल माउंटेन्स इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो ये कुछ जगह है जहां पे हमें लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑस्मियम्स देखने को मिलते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ये जनरली एज ए अलॉयड दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके एज ए अलॉय यूज करता है। उन डिवाइसेस में यूज किया जाता है जहां पे जिस डिवाइसेस में वियर टियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे फाउंटेन पेन हो गया जिसमें हम लगातार चलाते रहते हैं, उसकी निब का वियर एंड टियर ज्यादा होता है, तो उनमें ये यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट पिवट्स में ये यूज होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में यूज होता है, फोनोग्राफिक नीडल्स में ये यूज होता है। अब जाते जाते लिस्ट ऑफ 10 डेंसेस्ट एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। नंबर 1 स्लॉट पे ऑब्वियसली ऑस्मियम है, जिसकी डेंसिटी है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इरिडियम 22.4, प्लैटिनम 21.45, नेपच्यूनियम 20.2, प्लूटोनियम 19.84, टंगस्टन 19.35, गोल्ड 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 7th पोजीशन पर, यूरेनियम 18.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अमेरिकियम 13.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10th पोजीशन पर मर्क्यूरी 13.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।